अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खबरनामुक शुमार हज़ बहुत तुहस खदमत मज रियाज़ अहमद हाज़िर। खबरनाम तह तमाम वातनामस मे ताउन करान जम्बो मस्टर्ड ऑयल। नाज़रीन, खबरनाम शुरुआत करने ब्रोह त्रो अख नज़र चन खास खास खबरन पे। वारी सान आवाज जुम्मिस मज खीर भवन हुन मेल मनान तुलमुला गांदरबल यमि वरी 30,000 खोत ज्यादा यात्रियों हज हाजिरी। तुलमुला मंदिरस पे दिच एल जी एस सान दो सियासी लीडरों ती पे खबर तफसील सान। खीर भवन हुन मेल आव गांदरबल के तुलमुला अलाकस मज पंडितों तरफ सेठा यस ते पस सान मनान। तात सिलसिलस मज आई वादी सान बेरून रियासतों पेठ आमतो यात्रियों तरफ अति शिरकत कर। मोलस दौरान सपुद पंडितों तरफ खसूसी पूजा पाठन तो हवनुक एहतमाम। यह दौरान पंडितों तरफ पन अकीद पूर कर आई। तात सिलसिलस मज इंतजामिया तरफ कर आमत इंतजामन पे इतमान बवित वो यात्रियों जि तिम हिंद बापत आस सेहतो सफाई सान दोमें लंगरन हुन ते एहतमाम कर आमुत। यह जन यात्रियों हिज हिफाजत यकीनी बनाने बापत इंतजामिया तरफ सिक्योरिटी हिंद गोड़े इंतजाम कर आमुत। अत मौकस पे कत कर बो पंडितों वमेद जि वादी हिंद हालात बेहतर सपदित रोजन प्रण पट मुसलमान तो पंडित यकजा तिकाज बकोली शरदालु तिम सपद आज बे अक फिर कशन मुसलमान हिज मेहमान नवाजी वुछ सठा मुतासर। मकामी लुको तरफों तेस अत मौक पे पंडितन हिंद बापत मुख्तलिफ कस्म इंतजाम कर आमुत। यह दौरान तमो कत कर यात्री सन मेहमान तो तिम हिफाजत तो तिहद बापत प्रेत इंतजाम आयतन कर मुसलमान हिज अवलीन जिम्मेदारी ये पे अति मौजूद यात्री तठा मुतासर सपद। सबसे पहले मैं आज इस पावन अवसर पर जो भी हमारा ये चैनल देख रहे हैं उनको बहुत बहुत माता खीर भवानी की तरफ से शुभकामनाएं। सभी परिवार सुख शांति से रहे, खूब उन्नति तरक्की करे। ये जो साल में एक दिन आता है श्रेष्ठा का दिन, इसमें आज तकरीबन कोई 20,000 लोग 9 तारीख से ही हमारे पास से रह रहे हैं, इस मंदिर में रह रहे हैं, और 12 और 13 और 14 तारीख को तो सभी यहाँ आके रहते हैं, माता के चरणों में सुबह शाम पूजा करते हैं। और आपने देखा है, जैसे आप देख सकते हो, एक पूरा भाईचारा है। ऐसी माता की कृपा है कि सब कम्युनिटीज मिलके यहाँ पर काम करते हैं और इस मेले को बहुत बहुत सक्सेसफुल बनाते हैं। आज के दिन मैं आई हूँ 17 ईयर्स के बाद यहाँ पे माता के दर्शन करने के लिए। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि हम मतलब कश्मीर में आए, जैसे हम रहते हैं वैसे ही माहौल लग रहा है, कुछ अलग नहीं लग रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है हमें, कोई मतलब बिल्कुल ठीक लग रहा है, ऐसा कुछ चेंज नहीं लग रहा है, बहुत बढ़िया। कुछ लग ही नहीं रहा है कि हमारा कुछ यहाँ पे डिफरेंट है या कुछ हम इतने टाइम बाद आ रहे हैं या अलग माहौल लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओवरवेलमिंग लग रहा है। दुआ है कि जैसा ऐसा माहौल है माता रानी से ऐसा ही रहे और हम ऐसे ही यहाँ पे आते रहे और ऐसे ही यहाँ पे रहे और ये बिल्ड दोबारा से हो गया और यहाँ जो हमारा अपने मुसलमान भाइयों से भाईचारा ये ऐसा ही रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान दिच भवानी खीर भवानी हुंद मेल नजर तल थवि तुलमुला गांदरबल हाजिरी। यह दौरान तमो खसूसी पूजा पाठन में शिरकत कर पद अकीदत मंदन हिंद बापत कर आमत इंतजाम साम हज। अत मौक पे एल जी मनोज सिन्हा सिंद तरफ कैंसन अकीदत मंदन सत कत बात कर आई तिम मुबारक कर। मीडिया सत कर तफसीलत फराहम कर एल जी एन जमि वरी 30,000 खोत ज्यादा शरदालों तरफ योर यथ आई पन अकीद पूर कर। यह जन इन वाले कैंसन रतन दौरान शरदालुन हिज मंग पूर कर यात्री बेस कैंप अत मुकमल सपद तिम हवाल त कर। Thank you।
माता खीर भवानी के मेले में लगभग 30,000 से ज़्यादा श्रद्धालु इस वर्ष आए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और माता खीर भवानी में आस्था रखने वाले लोगों ने मिलकर के मैं समझता हूँ कि एक बेहतर इंतजाम किया है। लगभग 200 के आसपास बसें जम्मू से आई हैं, इस बार कुछ लोग दिल्ली से भी आए हैं और मैं समाज के सभी लोगों को साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मिलजुल करके इस मेले का भव्य आयोजन किया है। गांदरबल का जिला प्रशासन, हमारा रिलीफ कमिश्नर का डिपार्टमेंट और पूरा जम्मू कश्मीर प्रशासन इस मेले को सफलाने के लिए जो भी इंतजाम कर सकते थे वो किया गया है बेहतर से बेहतर। गत वर्ष जब मैं आया था तो यात्रियों की, श्रद्धालुओं की एक मांग थी कि यहाँ यात्री निवास बनना चाहिए, उसे जम्मू कश्मीर प्रशासन के ग्रामीण विकास विभाग ने स्वीकृति प्रदान की है, आज उसका शिलान्यास कर दिया गया है। 1,000 यात्री उसमें रह पाएंगे। मुझे बताया गया है कि आने वाले 8 महीने में ये भवन पूरा हो जाएगा। और भी यात्रा नेशनल कॉन्फ्रेंस सरपरस्त आला तो सबक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन दिच आज गांदरबल मज खीर भवानी हुंद मेल नजर तल थ अति इन वालन अकीदत मंदन सी समखन पता हाजिरी ये तमो पंडितन हिंदो हुंद बोड़ दा तिमन मुबारक करान कशीर मज अमन अमान बहाल सपदन उम्मीद बवित हिंदू मुस्लिम भाई बंद दुबारा बहाल सपदन आश ब ये बहुत बड़ी बात है। पार्वती जी का दुनिया में पैदा जी और यहाँ की सब बात उसी के लिए हम सब आए और यहाँ मांग रहे हैं कि एक तो उनके लिए भी वो प्रभु उनको सलामत रखे और चाहते हैं कि घर वापस आए और यहाँ बसे और हम उम्मीद करते हैं कि वो आएगा दिन जल्दी जब भी अपने घर आएंगे और अमन से हमारे हम सब के साथ रहेंगे। यही चीज है जो भाईचारा जरूरी है हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमारन दिच तुलमुला इलाकस मज मौजूद मंदिरस पे हाजिरी दौरस दौरान हिस तमो सिक्योरिटी हिंद हवाल करन आमत इंतजाम साम अत मौकस पे आई यात्रियन हिफाजत यकीनी बनान तो कह नास्त्रास मामल रुकान बापत प्रेत कह इंतजाम साम तम पूर फराम कर। यूटी बापत बीजेपी सदर रविंदर रैनहान दिच पनिन अकीद पूर थवित खीर भवानी हुंद मेल नजर तल थवित तुलमुला गांदरबल हाजिरी या दौरान तमो पनिन अकीद पूर करन बापत पूजा पाठ करन पत अकीदत मंदन सत कत बात कर। नाजरीन खबर नामुक सिलसिल रोज जारी ये नमो तजारती वक्फ सपद तय मुलाकात। Peachy stock of chili one by one by Handmakes Athfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Athfar spices the best. Athfar spices keep your family away from any kind of adulteration and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Athfar spices and keep your family in best health and taste. नाजरीन खबर नामस मज तुम दुबारा खैर मकदम पेश मजीद खबर खीर भवानी हुंद मेल आव कुलगाम के मजगाम तो दिवसर इलाकन मज मौजूद मंदिरन मज मनावन इमन मज मुख्तलिफ इलाकन हिंदो पंडितो तरफ शिरकत करना आई अत सिलसिलस मज आई पंडितो तरफ खसूसी पूजा पाठ तो हवन एहतमाम करित पनिन अकीदत पूर करना।
जिला तरकारी कमिश्नर अनंत नाग डॉक्टर सईद फखरुद्दीन हामिदन हिच अनंत नाग के लोगरी पुरा अस्थापन दौर कर जायज यह दौरान तमो खीर भवानी हंदिस महलस मज इन वाले अकीदत मंदन हंद बाप कर आमत इंतजाम हम हि दिन की हवाले से मैं बताना चाहूंगा कि आज खीर भवानी का मेला ये 5 स्थानों पर चल रहा है और देशभर से श्रद्धालु यही मनोकामना करते हैं कि विश्व भर में शांति बनी रहे और सब देशवासियों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। और इस दिन हम खास तौर से खीर जो होती है जो माता को सबसे ज़्यादा प्रिय है इस दिन खीर है, इसीलिए इसका नाम खीर भवानी मेला है। और आज आप देखोगे हर जगह जितने भी माता के जो ये स्थापन है वहाँ पे एक छोटा सा आप चश्मा देखोगे, वहाँ पे श्रद्धालु फूल खीर अर्पण करते हैं और माता की ब्लेसिंग्स माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जब से हमारी सरकार बनी है 2014 से तब से हमारा यही प्रयास है कि यहाँ पे शांति अमन हो और कश्मीरी पंडित भाई बहन अपने घर वापस आए। ये हमारा मैनिफेस्टो है, हमारा मुद्दा और मकसद ही यही है कि अपने घर वापस आए। हमारा इस पर जितना भी फोकस है हम उस पर पूरा कार्रवाई करने जा रहे हैं और पूरा विश्वास है देश के विश्वास। जमदाव खीर भवानी हुन मेल नजर तल थवित रूपनगर मंदिरस मज हवन तो पूजा पाठन हुन एहतमाम करना यत मज मुख्तलिफ इलाकन सी तोलुक थवन वालो पंडितो तरफ शिरकत करना आई। अत मौकस पेट कथ करित वोन श्रद्धालुओ जे तुलमुला खीर भवानी हंदिस मंदिरस मज युस न शिरकत पन यकीनी बनाइव छ हकान सुच जमिस मज रूपनगर भगवान रूपनगर भवानी हंदिस मंदिरस मज यित पन अकीद पूर करान। सबसे बड़ा पर्व का अच्छा दिन है ये, माता रानी का हर साल मनाते हैं, माता रानी सब पे कृपा बरसाए। मेरा नाम रोहित, क्या कहेंगे जिस तरह से आज खीर भवानी का मेला जहाँ पर देखिए आज का दिन जो है बहुत पवित्र दिन है। आज के दिन माता खीर भवानी के मंदिर लोग आ रहे हैं, बड़ी उत्साह से आ रहे हैं, सब दर्शन करने आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे जो भाई हो रहे हैं कश्मीरी पंडित वो श्रीनगर गए हुए हैं माता तुलमुल के दरबार दर्शन करने, और जो वहाँ नहीं जा पा रहे वो जानीपुर यहाँ माता के आके यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। कितनी यहाँ लोगों की बहुत श्रद्धा, आप देख सकते हो कितना रश है ऊपर यहाँ पे लोग बहुत। श्रीनगर ची तवारीखी जामिया मस्जिद मज आए नमाज जुमा अदा कर ब्रो मीरवाज़ कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक सिंद तरफ खिताबस दौरान हाल ही डलस मज पेश आमत मामल सख्त मजम्मत कर डलस मज हाल ही शराब ननि वान चनुक मामल सठा बदकस्मती सी तबीर करान दुत मीरवाज़न जोर जि प्रेथ कंस पजि पनिन पनिन जिम्मेदारी अंजाम दित माशरीसो बदकारियो निश बचावन। गैर रियासती सयान कशीरी यूनस खैर मकदम करित वोन मीरवाज़न जि कशरन पजि पनुन किरदार बेहतर बनावित प्रेत कंसि सूद असल वर्तावन। खीर भवानी मेलच जिक्र करान वोन मीरवाज़न जि कशीर मज रोजन वाल तमाम लूक चि पंडितन पनुन वतन वापस यिन प्रेत सात दावत दिवान। खानदान मीरवाज़स अख प्रोन ताल्लुक ओस रूदमुत अत कशीर कम्युनिटी सूद बट बरादरी यथ वनान छि इस रूद हमेशा ये कोशिश करान कि यह सा छुन सियासी मसल के यह छु इंसानी मसल इस हमेशा यकीन थवा अत कदरस मसलस मज कि मसल कश्मीर पन्नी जाए मगर कशन पंडितन हुंद वापसी हुंद मामल छु यह इंसानी मसल इस यसान बराबर सुई तरीक़े कार युसन ओस पान वन सु गस कयम गसुम यम गसन पन्नन गरन कुन यिन पतिम क्रल तुलव न के बल्कि क्रालन करो कोशिश मरहम लगाव इस करो कोशिश की इस पानवन इस मिलसार उस सु मिलसार करो बेई कायम रिबिल्ड करो पन रिलेशनशिप रिकनसाइल करो पानवन अथ मज तिमन पे जिम्मेदारी बनान एस पे जिम्मेदारी बनान तो बहसियत अक्सरियत चूंकि इस अक्सरियत अंदर तो सोन शु फर्ज बना कि इस करो हमेशा तिमन खैर मकदम तो तमि खतर करो कोशिश तेज तर कि तिम गसन पन्नी वादी कुन पन्नी मादर वतनस कुन तिकाज सोन जबान सोन लिसान सोन सोन कल्चर सोन वथुन बिहुन छु अख रूदमुत तो इस हमेशा तमि खतर मुतमनी। नाजरीन खबरनामुक सिलसिल रो जारी यत निमो ब्याख तजारती वक्फ तो इसी सब दे बे मुलाकात। तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से
लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। नाजरीन खबरनामस मज तुम दोबारा खैर मकदम पेश मजीद खबर। जिले डोडा के कोठा टापस मज कह ब्रह मिलिटेंटो तरफ फोर्सेज अहलकार पेट कर आमती हमल पत रूद आज त मिलिटेंटन हुन छारो अत फोर्सेज तरफ बदस्तूर जारी। यह दौरान कोठा टाप कन जंगलन सान मेन कस्बस मज अमुक सिलसिल जारी थवित मुख्तलिफ जायन हिज तलाशी हनाई। यह कत बावन लायक जें दो ब्रोह आई कोठा टापस पे मिलिटेंटो तरफ फोर्सेज अहलकार पे अन खल गोली चलावन, यम कि अख फोर्सेज अहलकार मिलिटेंटन हिज गूल लगने किन जख्मी सपुद। ताम आखिरी इतला वातनस तम अत फोर्सेज तरफ तलाशी हिज कारवाई बदस्तूर जारी। पीडीपी के वर्करों को मरकजी सरकारस खिलाफ जमकि गांधी नगर पार्टी दफ्तरस नेबर कन एहतजाजी मुजाहिर। मुजाहिरस में शामिल वर्करों लोय नारबाजी कर इल्जाम जी यदवई मरकजी सरकार तरफ आर्टिकल 370 तो 35H मनसूखी पत जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी कापी रटने बड़ बड़ दाव करान। ताहम जम्मिस में पत्मो कैंसो दोह पे सपदमित मिलिटेंट हमलों सीमन दावन हूं बरकस नजर गसान। मुजाहरीन अत मौक पे मरकजी सरकारस अवामी तहफ़ यकीनी बनान सान अमि हवाल जवाब मंगान। जो सरकार कहती थी 370-35 से तोड़ने के बाद हम मिलिटेंसी पर नकाल कसेंगे, मिलिटेंसी सबसे कम उस पर आ चुकी है, लेकिन आज पहली बार है कि जम्मू शहर में मिलिटेंसी की दस्तक है। आज कठुआ में मिलिटेंसी है, आज जम्मू शहर का बशिंदा जो है वो दहशत में है। तो आज ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता पार्टी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि ये जम्मू में मिलिटेंसी क्यों, जम्मू जो कि पीसफुल इलाका था उसमें मिलिटेंसी क्यों है? ये अगर नया जम्मू कश्मीर है तो उसके ऊपर जवाब बनता है। बाकी हम सरकार के मिलिटेंसी के खिलाफ सरकार के साथ हैं। जैसे यात्रियों का अटैक हम उसकी पुरजोर निखेधी करते हैं, कंडम करते हैं कि ये ऐसे अटैक नहीं होने चाहिए। जिन लोगों ने ये काम किया वो इंसानियत के दुश्मन है। लेकिन आज हम पूछना चाहते नाजरीन अत वो खबरनाम यह शुमार अंद तपद शाम साढ़े अठ बे मुलाकात तोतम इजाजत खुदा सवाल।